हाँ, दिल्ली में जो आप जलेबी खा रहे थे इंदौर में, यहाँ पर प्रदूषण हुआ। मेरे जलेबी खाने से यहाँ पर प्रदूषण हुआ? नहीं, वो कह रहे थे कि जलेबी आप इंदौर में खा रहे, प्रदूषण हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे जलेबी खाने से आप मीटिंग में नहीं आए। मेरे जलेबी खाने से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा है। अगर मेरे जलेबी खाने से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा है तो मैं हमेशा के लिए जलेबी छोड़ सकता हूँ। और एक और चीज ये कि जितना काम मैंने 5 महीने में किया है ना पोल्यूशन के लिए, चाहे ईडीएमसी ने 90 करोड़ के व्हीकल खरीदे, 70 व्हीकल स्प्रिंकलिंग मशीन खरीदी, वैक्यूम क्लीनर खरीदे, उसके अलावा गाजीपुर लैंडफिल का जो काम स्टार्ट हुआ है वो इन 5 महीने में ही हुआ है। अगर मैं प्रदूषण के लिए सीरियस नहीं होगा, मेरे 5 साल की बच्चियां रहती हैं, मेरी 2.5 साल की बच्चियां रहती हैं, और मैं ही नहीं, सारी दिल्ली की जनता, जिनके बच्चियां रहते हैं, जिनकी फैमिलियां रहती हैं, सब सीरियस हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ के। आप यही सवाल अगर केजरीवाल से पूछें कि 5 साल में ऐसी क्या चीज़ खरीदी है उन्होंने, एक भी ऐसी चीज़ खरीदी है जिससे वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? लेकिन आप बैठक में नहीं आए, बुलाया गया था प्रदूषण सब। अगर आप बैठक जरूरी है या मेरा काम जरूरी है? 5 महीने में मैंने अपने काम आपको गिनवा दिए, आप 5 साल के भी तो काम गिने ना, कि जो उन्होंने 5 साल में काम किए हैं। मैंने बैठक इसलिए भी अटेंड करी क्योंकि 11 को जब हमारे को मेल आया था, हमने उसी दिन कन्वे कर दिया था कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे को एंटरटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और 11 तारीख को ही उनको ये मेल जा चुका था। ऐसा नहीं है कि मैंने 13 तारीख को बोला कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप 5 महीने के मेरे काम देखिए। आप ये मत देखिए 10 मिनट में आपने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर इतनी मेहनत दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने में की होती ना, कि मेरे को ट्रोल करने में, पोस्टर लगाने में और जलेबी बांटने में, तो आज हम सब मिलकर सांस ले पाते। एक जल, ठीक है, जल आपने मुफ्त में दिया, उसमें भी आपने जहर घोल दिया, ठीक है। 800 करोड़ का लॉस है दिल्ली जल बोर्ड का, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी मैं दूंगा।